मसीहा बन के आई मीनू अनुज और अनुपमा के जीवन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इस समय जिस मरहम की अनुज को जरूरत थी वो मरहम बनी मीनू। बहुत ही प्यारा सीन मंदिर वाला, जिसमें अनुज को मीनू ने डांटा भी, प्यार भी किया और घर भी लेके आ गई। और ना सिर्फ मीनू अनुज को लेके आई बल्कि उसने अनुपमा का भी हाथ थामा। बहुत ही बढ़िया और सिग्निफिकेंट सीन था ये। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मीनू जो एक डॉक्टर है और अच्छी इंसान है, अच्छे इंसान होना सबसे पहली क्वालिटी है, बाद में जो भी आप हो वो हो। मीनू ने आज ये साबित कर दिया। दर्द समझती है मीनू अनुज का भी और अनुपमा का भी, सारी कहानी उसको पता है। मां की फेरी टेल पे मीनू बिलीव करती है, ऐसा मीनू ही कहती हुई नजर आई हमें केंजल को। तो जो उसकी फेरी टेल के कपल है उनको वो अलग कैसे होने देगी। मीनू ने जिस तरह से आज इस पूरे सीन को हैंडल किया, एक्ट्रेस नो डाउट माइंड ब्लोइंग, और साथ में जो सीन को बुना गया वो अपने आप में ये दिखाता है कि आने वाले समय में हमें अनुज और अनुपमा के थोड़े अच्छे और बिना आंसुओं वाले, अगर आंसू होंगे भी तो वो खुशी के आंसू होंगे जो कि मीनू की वजह से आएंगे। ये अनुपमा की ही कमाई है दोस्तों जो मीनू आज ऐसे रूप में सामने आई है। कई बार सवाल उठते हैं ना कि अनुपमा ने क्या किया, अनुपमा को क्या मिला, ये सब अच्छाई करके, ये उस अच्छाई का ही नतीजा है। आज जहां पे उसको कोई भी नहीं नजर आ रहा था हमदर्द, जो उसके साथ खड़ा होके इस समस्या का समाधान कर सके, वहां पे आज दो दो हमदर्द आ गए हैं। देविका आ गई है और मीनू ऑलरेडी वहां पे आ चुकी है और आज उसकी अनुज से भी मुलाकात हो गई। मीनू का आध्या बनके डांटना जो अनुज को लगा, जबकि मीनू तो अपना काम कर रही थी, और यही एक वार्मथ अनुज को चाहिए था जो अनुपमा देना चाहती थी। अनुपमा कोशिश कर रही थी, डांट खा रही थी अनुज की, मगर अनुज के मन में अनुपमा के प्रति यही बैठ गया था कि इसकी वजह से मेरी जो आद्या है वो चली गई। बिना सोचे समझे उसने अपनी अनु पे इल्जाम पे इल्जाम लगाए। जब सोच वापस आएगी तब शायद पछतावा हो, बट अभी पछतावा हो या ना हो, अभी अनुज का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। और जब एक अच्छा इंसान अच्छा डॉक्टर होता है तो पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है, क्योंकि वाइब्स चली जाती है डॉक्टर की पेशेंट तक। और यहीं पे ये कॉम्बिनेशन अगर गड़बड़ हो जाए तो बर्बादी भी होती है, मगर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, परफेक्ट है, बल्कि सुपर परफेक्ट। और आज अनुज ने इंटरेक्ट किया, आज अनुज ने प्रैक्टिकल बातें थोड़ी सी की, प्रॉमिस किया, यानी कि ये सारे संकेत दिखा रहे हैं कि मीनू का यहाँ पे आना और मंदिर में अनुज से मिलना, ये सब कान्हा जी का ही आशीर्वाद है जो अनुपमा ने कमाया है, क्योंकि अनुपमा ने कभी कान्हा जी का जो है साथ नहीं छोड़ा, हमेशा कान्हा जी को याद करती रही, दुख में सुख में हमेशा। कभी कभी कान्हा जी को पिता बन के कंप्लेन भी किया, कभी कभी साथी बन के उनसे बातें भी शेयर की, मगर कान्हा जी हमेशा अनुपमा के साथ थे। तो इसीलिए इसी साथ का, इसी भक्ति का नतीजा है कि मीनू जो है मसीहा बन के आई है। तो मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, और जैसे उसने अनुज ने मीनू का हाथ पकड़ा, अनुपमा का नहीं पकड़ा, मीनू ये बात भी समझ गई, मगर उसने एक तरफ अनुज का हाथ पकड़ा और अनुपमा का हाथ भी पकड़ा। और ये जो हाथ पकड़े हैं ये मीनू ही एक दिन में लाएगी, क्योंकि वो अपनी फेरी टेल स्टोरी, मान की स्टोरी को अधूरा रहने नहीं देंगी। तो ये बहुत ही मजेदार था दोस्तों, आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये सीन, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.